हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 मैथमेटिक्स. ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, फोर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. इन दैट वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. ओके, वो मेथड बहुत जरूरी है, आपको समझना है. और अगर आपने नहीं समझ पाया है तो वो प्राइम फैक्टर हम इसमें भी निकालेंगे, तो हो सकता है आपको अभी समझ में आ जाएगी. लेकिन ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है. इसीलिए आप अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को दो बार आप देख सकते हैं, ठीक है. और मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स. और अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है बच्चों को, वर्ड्स प्रॉब्लम जो होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चंस. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर वाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर्स हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 252 गिवन है, तो इसको हमें किस स्मॉलेस्ट होल नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करें, है ना. फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ऐसा होल नंबर आप बताओ कि इसको हम मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, है ना. अभी 252 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये किसी भी नेचुरल या किसी भी होल नंबर का स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको स्क्वायर बनाना है तो हम इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए. समझ में आ गया. फिर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंडेड, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है उसका हम स्क्वायर रूट भी निकालेंगे. समझ गए. तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि हम कौन से नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करें कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए. क्लियर. तो वही हमारा प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में किए हैं. अगर वहां समझ में नहीं आया है तो आप यहां कंसंट्रेट कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा. उम्मीद करते हैं कि आपने अगर वो वीडियो मेरा देखा है और अब ये वीडियो देखेंगे तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है. अब देखिए स्टार्ट करते हैं. तो 252 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 252 का. तो ये 252 इज इवन नंबर, अब इवन नंबर है तो हम 2 से ही डिवाइड देते हैं हमेशा, तो 2 से इसमें डिवाइड देंगे. तो 2 से 2 में जाएगा, 2 बन जाए 2, फिर 5 में 2 जा 4, 1 बचेगा यहां 12 हो जाएगा, तो 2 6 12. फिर इवन नंबर आने से 2 से डिवाइड देंगे, ठीक, 2 6 12, 2 3 6. अब ये ऑड नंबर आया तो 3 की टेबल में आ रहा है, हमें पता है, तो ऑड नंबर आने से हमें ऑड नंबर ट्राई करना है, तो 3 2 6, 3 1 3, अगेन 3 की टेबल से, 3 7 21, देन 7 7. यानी 252 के ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, इनको हम लिखते हैं, है ना. तो देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 252 क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 7. समझ गए. अब यहां पे देखो, ये 2 पेयर है, 3 भी पेयर है, लेकिन ये जो 7 है वो अनपेयर्ड है. अनपेयर्ड यानी कि इसका भी हमें ग्रुप बनाना है. तो ये आप यहां पे देखो, यानी कि आपको किस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये प्राइम फैक्टर निकालने के बाद ही पता चल जाएगा. जैसे जो भी नंबर आपको अनपेयर दिखेगा आप उसको पेयर बनाना है, जैसे ये 7 जो है अनपेयर है, तो अगर हम 7 का पेयर बना दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा सारे के सारे नंबर का पेयर बन रहा था, तो पेयर बन रहा था सबका स्क्वायर रूट आराम से निकल गया था, है ना. तो यहां पे देखो 7 जो है वो अनपेयर्ड है, तो इसका पेयर नहीं बना है. इसका मतलब ये हुआ कि हमें 7 का ही मल्टीप्लाई करना है, यानी जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है हमें उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ गया. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां पे 2 लाइन है, कुछ स्टेप्स है वो आपको लिखना है, ये जरूरी है, ठीक है. तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी कैन सी क्लियरली दैट, ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहो तो अपने हिसाब से ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो, है ना. वी सी दैट फैक्टर 7, है ना, इज नॉट इन पेयर, है ना,
ये पेयर में नहीं है. सो वी हैव टू मेक इट्स पेयर, है ना. फॉर दैट वी मल्टीप्लाई बाय 7, है ना, टू द गिवन नंबर्स, टू द, या फिर वी मल्टीप्लाइड बाय द 7 टू गेट, है ना, टू गेट द परफेक्ट स्क्वेयर नंबर. मतलब ये जो स्टेप है ये आपको लिखने पड़ेंगे, ये आप अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो. इसका मतलब यही है कि हमने यहां पे देखा कि ये जो नंबर है वो अनपेयर है, ये हमने मेंशन कर दिया. अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो चीज हमने मेंशन कर दी. यही चीज को हमने ये अपने ऑन वर्ड्स में लिखा है. आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. यहां पे बहुत आसानी से ये अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है. अब हमें क्या करना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 7 करना है टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 252 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो जाएगा. समझ में आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू, और 252 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये पहले से प्राइम फैक्टर निकले, और मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं हम, 7 का. तो ये देखो दोनों तरफ हमारा मल्टीप्लाई हो गया ना, ये 7 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए. तो ये जो मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिलेगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे देखेंगे तो सारे के सारे नंबर कैसे निकले, पेयर में बन गए, बनेगा कि नहीं बने पेयर. तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 कैरी 1, 7 × 5 = 35 और 1 = 36 कैरी 3, 7 × 2 = 14 और 3 = 17, ये बन गया हमारे पास 17 6, और ये आ रहा है 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7. अब सारे जो है ना हमारे पास क्या बन गया, पेयर बन गया. अब ये जो नंबर मिला 1764, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या है वो हमें निकालना है. देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड, जो नंबर हमें मिला उसका स्क्वायर रूट निकालो. तो इसका स्क्वायर रूट का मतलब वही हम सिंपल सा, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट का मतलब हमने लिख दिया ये 1764. ये पेयर को हम एक बार लिखते हैं तो ये 2 पेयर बना था तो ये 2 आ जाएगा, 3 का पेयर बना तो ये 3 आ गया, 7 का पेयर बना 7 आ गया, 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42. तो यानी कि जो नंबर हमें मिला मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट तो 42 है, पहली बात. दूसरी बात, हमें किस नंबर को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, 7 का मल्टीप्लाई करना है. तो ये कैसे पता चला कि हम इस नंबर का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे. प्राइम फैक्टर निकाल के हम ये देखते हैं कि कौन सा फैक्टर जो अनपेयर है, यानी जो ग्रुप में नहीं है, पेयर में नहीं है, तो उस नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है, हम वहां से चेक कर सकते हैं. तो बगैर प्राइम फैक्टर किए आप ये बता ही नहीं सकते, तो ये प्राइम फैक्टर करना आपके लिए जरूरी है. तो इसीलिए इस प्राइम फैक्टर, यानी कि जो प्राइम फैक्टर है हमारा, इनको निकालना एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आप इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. सेकेंड वन, दिस इज 180. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना. तो 180 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, है ना, बहुत ईजी है. तो ये देखिए 180 का प्राइम फैक्टर हम निकालने जा रहे हैं. 180 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 2 से 2 × 9 = 18, 90 आ जाएगा. फिर 2 से 2 × 4 = 8 या 10 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 15. 45 और 2 से नहीं जाएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15. अगेन 3 से 3 × 5 = 15, देन 5 × 5. ये हमारे प्राइम जो है ना प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2, 2, 3, 3, 5, ठीक है, 180 का. तो अपन यहां लिखते हैं, है ना, देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 180 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5. ये हमारा प्राइम फैक्टर्स आ गए. अब यहां पे देखिए कौन सा नंबर जो है वो पेयर फॉर्म में नहीं है. 2 तो जो पेयर फॉर्म में है, 3 भी पेयर फॉर्म में है,
ये जो 5 है ये पेयर फॉर्म में नहीं है, तो हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का। सिंपल सी बात है ना। तो प्राइम फैक्टर निकालने से हमें तुरंत पता चल जा रहा है कि हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है प्राइम फैक्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, ये आपके लिए एक टास्क ऐसा है जो आपको कंप्लीट करना है। यानी प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर का आपको निकालना आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, है ना, इट इज क्लियर, है ना, इट इज क्लियर दैट फैक्टर 5 इज अनपेयर्ड, ओके, अनपेयर्ड, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई वाई 5, है ना, टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ गया? यानी कि हमें क्या करना है, इट इज क्लियर दैट, यानी हमने देखा तो यह पता चला कि 5 जो है वो अनपेयर्ड है, सो बी मल्टीप्लाइड, वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 5, हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो यह हमें समझ में आ गया, तो अब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दैट इज 180 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर 180 का क्या प्राइम फैक्टर आया है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, और ये जो 5 मल्टीप्लाई इधर है हमने इधर भी कर दिया। आए समझ में? अभी देखो ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी सब पेयर बन गया, और 180 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। 900 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये सब का हमारा पेयर बन गया। तो 900, ऑफ कोर्स 900 इज द स्क्वायर नंबर, अब ये स्क्वायर नंबर है तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड, तो हमें मल्टीप्लाई करके 900 मिला, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है वो हमें बताना है। तो क्या करते हैं अपन, अगेन देयरफॉर स्क्वायर रूट का मतलब हम उनको अंडर रूट के अंदर बंद कर देते हैं, और इधर जिनका पेयर बनता है वो वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पेयर किसका बन रहा है, 2 का 3 का 5 का, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। तो ये हमारे पास जो नंबर मिला मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट 30 है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस एक ही चीज है कि प्राइम फैक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। प्राइम फैक्टर अगर आ गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, बहुत आसान है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो आने वाले जो क्लासेस के मैथमेटिक्स है जहां जरूरत पड़ती है वहां आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी हम और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको और भी चीजें जो है ना डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, we'll discuss this third part of this questions. Okay, as usual the question number 1 and 2. Okay, first we get the prime numbers or we can say prime factors. Okay, so 1008 का हम सबसे पहले prime factors निकालेंगे. Since it is a even number, so we divide by 2. है ना, even number है तो 2 से divide करेंगे, तो 2 का 5 में जाएगा division 5 times, है ना, 10 में जाएगा 5 times, और ये 0 8 में 4 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 4, है ना, यहाँ पे 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10 एंड 2 × 2 = 4, फिर अगेन 2 × 2 = 4 या 12 हो जाएगा, तो 2 × 6 = 12, अगेन 2, ओके, सो दिस 2 × 6 = 12, 2 × 3 =, ओके, देन 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 3, अगेन 3, 3 × 7 = 21, then 7. So these are the prime factors of 1008. ठीक, तो अपन लिख देते हैं, therefore prime factor of 1008 is equal to, है ना, 2 4 times है, 3 2 times है, ठीक है, तो 2 3 4 और 3 2 times है और 7 जो है वो 1 time है। तो इसमें आप देखेंगे ये 2 का पेयर बना, इधर 2 का बना, ये 3 का बना, और ये जो 7 है वो अनपेयर्ड है, तो हमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, है ना, इट इज
क्लियर दैट, है ना, फैक्टर सेवन इज अनपेयर, है ना, फैक्टर सेवन इज अनपेयर, है ना. सो वी मल्टीप्लाई बाई सेवन टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर. समझ में आ गया, ये वही लैंग्वेज अपन आसानी से, एक बार आप याद रख लो क्या लिखना है, हर एक क्वेश्चन में वही आएगा, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन का, तो 1008 मल्टीप्लाइड बाई सेवन हो गया. अब 108 के फैक्टर्स जो अपन निकले पहले वो लिखेंगे, है ना, और उसके बाद हम जो है ये फैक्टर आ गए 1008 के, 1008 के, और 7 का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया दोनों तरफ, है ना, ये इधर 7 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ किया, तो अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि सारे नंबर देखेंगे तो पेयर फॉर्म में हो जाते हैं. और ये इसका मल्टीप्लाई 8 7 56, 7 का 0 मल्टीप्लाई करें 0, 7 जा 7, ये हो जाएगा 7056. इधर हमारे पास ये है ही पहले से फैक्टर, है ना, तो हम इनको लिख लेते हैं, ठीक है. इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो सारे जो प्राइम फैक्टर थे वो पेयर फॉर्म में आ गए, आ गए कि नहीं आ गए. तो ये 7056 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 7056 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वही सब बाकी में सब अपन करते हैं. देयरफॉर 7056 इज इक्वल टू, ये 2 का पेयर बना, है ना, और 3 का पेयर बना और 7 का पेयर बना. तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 जा 84, तो ये 84 आ गया, यानी कि 7056 एक स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 84. तो इस तरीके से, इस सेम तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं. इज द फोर्थ वन, ओके. अब ये हम फोर्थ वाला और डिस्कस करेंगे, इसके बाद दो पार्ट इसके बच जाएंगे, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे अपने आप से, क्योंकि मैंने जितना आपको सिखाया है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे. तो लास्ट के दो जो पार्ट बच रहे हैं वो आप अपने से सॉल्व कर लेंगे, है ना. और अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट कीजिए और हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है. तो चलिए अब हम इसको भी जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक. तो 2028 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, है ना, हमारा यही सबसे बड़ा जो है ना स्टेप है कि प्राइम फैक्टर निकालना. प्राइम फैक्टर अगर जिसको अच्छे से आता है वो इन क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर लेगा, अदरवाइज उसके लिए मुश्किल होने वाला है. फिर इवन नंबर है, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, है ना, ये 0 एज इट इज आ जाएगा. फिर 2 बन जा 2, 2 4 जा 8. फिर इवन आया तो 2 से करेंगे, 2 5 जा 10. 1 में जीत नहीं जाएगा 2 का डिवाइड, तो 0 आ जाएगा. फिर 14 हो जाएगा तो 2 7 जा 14. अब ये देखेंगे ये 2 से नहीं जाएगा, ये ऑड नंबर आ गया, तो 3 से कोशिश करते हैं अपन, है ना. तो 3 से डिवाइड हम करेंगे तो 3 बन जा 3, 2 बचेगा यहाँ 20 हो जाएगा. तो 3 6 जा 18, है ना, 3 6 जा 18, तो 2 बचेगा 27, 3 9 जा 27, ठीक है ना, 3 से चला गया. अब ये 169 आ गया, ये 3 से करेंगे नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड, 169 3 से डिविजिबल नहीं है, है ना, 5 से तो हो ही नहीं सकता. 7 से चेक कर लो तो 7 2 14, 2 बचेगा 29, तो 7 से भी नहीं हो रहा है. 11 से करेंगे आप तो भी नहीं हो रहा है, 11 की टेबल में भी नहीं आता है, है ना. अब आप 13 से करोगे तो 13 की टेबल में आता है, क्योंकि 13 × 13 कितना होता है, 169. इसीलिए आप, हमने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये चीज बताई थी कि आप कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद करें, यानी कि 30 तक के स्क्वायर. ये 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13. अगर आपको स्क्वायर नंबर याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अभी आप टाइम वेस्ट करते रहोगे. तो इसको हम 13 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 13 × 13 ये हो जाएगा हमारा, क्लियर है. तो ये प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, है ना. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 2028 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13 × 13. ये देखिए 2 पेयर बन गया, 13 का पेयर बन गया, ये 3 जो है वो अनपेयर है. तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, ऑफ कोर्स 3 का करेंगे ना. तो क्या लिख देंगे यहां पे, इट इज क्लियर दैट, है ना,
फैक्टर थ्री इज अनपेयर, सो वी मल्टीप्लाई बाय थ्री टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ गया? तो कैसे मल्टीप्लाई करते, सारे स्टेप सेम है, इसलिए आप आसानी से इन क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाई देखो थ्री का कर दिया, इधर हमारे पास जो वैल्यूज आया है ना, उनको हम पहले लिख देते हैं, हमेशा यही के हैं, और ये जो लास्ट में थ्री का उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखेंगे, देखो टू का पेयर बना, ये थर्टीन का पेयर बना, और ये थ्री का भी पेयर बन गया। ठीक, तो थ्री एट जा 24 कैरी टू, थ्री टू जा 6, 6 और 2 8, ये 0, 3 टू जा 6, तो 6084 आ जाएगा इस तरीके से। तो हमने 33 को पास में लिख दिया है ना, ये 33 का पेयर था, तो हमने पास में लिख दिया। अब हमें जो 6084 जो नंबर आया है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि बाद में बोले ना ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंडेड। तो देयर फोर अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे 6084 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 3 × 13, 2 × 3 × 13, 33 जा 39, 39 × 2 जा 78, कितना हो जाएगा 78। तो ये जो है इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 78। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के चार पार्ट्स हमने आपको बता दिए हैं, और दो पार्ट्स जो बचे हैं वो मैं आपको एज ए होमवर्क आपको दे रहा हूं, यानी आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं, क्योंकि हमने आपको इतना समझाया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, तो दो क्वेश्चंस आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली सेम एज दैट क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया है वैसे ही इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी करना है। इसमें डिफरेंस ये है कि हमने क्वेश्चन नंबर में क्या किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा था, यानी कि हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। समझ गए? यानी कि अभी क्या दिया है 2925, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में था। समझ में आ गया? लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या करना है, डिवाइड। यानी कि अब क्या होगा कि 2925 में हम किस नंबर का, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर का, कौन से छोटे स्मॉलेस्ट नंबर का हम इसमें डिवाइड करें कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सीधा सिंपल सी बात है, इसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलिए, तो अब प्राइम फैक्टर बहुत आसानी से निकल जाते हैं, है ना, बहुत ईजी है। 2925 लास्ट में 5 है, तो बगैर किसी सोचे समझे 5 से आप डिवाइड दे दो। समझ में आ गया? तो ये 5, तो 2 में नहीं जाएगा, 29 में 5 टाइम्स 5 × 5 = 25 है ना, यहां बचेगा 4 = 42, तो 5 × 8 = 40, फिर बचा 2 = 25, 5 × 5 = 25। अब फिर से 5 का डिवाइड दे दो, 5 × 5, 8 में भी 5 × 5 जाएगा 335, तो 5 × 7 = 35 है ना। अब ये 1117 आया है ना, 117 आ गया। अब 117 किसकी टेबल में जाता है, 5 में तो जाएगा नहीं, तो 3 में चेक कर लेते हैं, है ना। तो 311 में 3 × 3 = 9, 2 × 27 हो जाएगा, 3 × 9 = 27। अब ये फिर से 3 की टेबल में जा रहा है, तो 3 × 3 = 13, और ये 13 तो किसी के टेबल में आता नहीं है। तो ये जो है हमारे पास प्राइम फैक्टर निकल के आ गए। तो जैसे हमने उसमें लिखा था इसमें भी हम वही लिखेंगे, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 2925 इज इक्वल टू कितना आया, 5 × 5 × 3 × 3 × 13। अब यहां पे देखेंगे 5 जो है पेयर में है, 3 जो है पेयर में है, 13 जो है वो अनपेयर है, तो हम किस नंबर का डिवाइड करेंगे इसको स्क्वायर बनाने के लिए। अगर यहां से 13 हटा दें हम, तो ये दोनों पेयर वाले वैल्यू बचेंगे, और पेयर वाले वैल्यू बचते हैं इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो 13 को हमें हटाना है, यानी कि 13 का ही डिवाइड देना है, तो हम इसमें डिवाइड दे देंगे 13 का। तो क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट
फैक्टर 30 इज अनपेयर सो बी डिवाइड बाई 13 टू गेट द परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। ठीक है, यानी कि हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई लिखा था और इस क्वेश्चन में डिवाइड कर रहे हैं। हम यहां पे पहले मल्टीप्लाई किए थे तो अब हम डिवाइड करेंगे। तरीका सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, दैट इज 2925 डिवाइडेड बाई 13। इधर इसके फैक्टर क्या है, 5 × 5 × 3 × 3 × 13 और डिवाइड किसका दे रहे हैं, 13 का। तो ये देखो 13 कैंसल हो गया, इधर हम 13 का डिवाइड दे देंगे, है ना। तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75, 75 × 2 = 225, यानी इसका हम डिवाइड दे देंगे तो 225 टाइम्स जाएगा। आप अपने हिसाब से डिवाइड दे सकते हो, हमने अपने हिसाब से डिवाइड दिया है, है ना। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, कितना बचेगा, ये जो कट गया इनका मल्टीप्लाई कर देंगे वही तो आएगा, तो हमने वही किया था, इनका मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आप डिवाइड भी दोगे तो 225 ही आएगा। तो यानी कि हमारे पास 225 बचा और इसके फैक्टर बचे हैं हमारे पास 5 × 3 × 3, ये बचे हैं फैक्टर। तो डिवाइड देने के बाद हमारे पास ये नंबर मिला है ना, तो डिवाइड देने के बाद जो नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट यानी 225 का, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 225 किसका ग्रुप बना है, 5 का, तो ये 5 लिख दिया, और किसका ग्रुप है, 3 का, तो ये 3 लिख दिया, कितना आ गया, 15। तो जो नंबर मिला हमें डिवाइड करने के बाद उस नंबर का स्क्वायर रूट आ गया 15। बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से, इज द थर्ड पार्ट, ओके, वी सॉल्व एज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट वी गेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 396। तो 396 का सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इवन नंबर है ये, है ना, इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड दे देंगे। इवन नंबर को बगैर सोचे समझे 2 से ही डिवाइड देना है, ध्यान रखना है। हमें ऑड नंबर जब होता है तभी कुछ सोचना पड़ता है ना, तो इवन नंबर के केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 में 1 टाइम जाएगा या 19 हो जाएगा, तो 2 × 9 = 18, फिर यहां पर आ जाएगा 2 × 8 = 16, 198 आ गया। फिर इवन आया तो 2 से देंगे, तो 2 × 9 = 18, फिर 18 हो गया, 2 × 9 = 18। अब ये ऑड नंबर आ गया तो 3 से डिवाइड दे देंगे, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, अगेन 3 से डिवाइड, 3 × 1 = 3, फिर 11 से डिवाइड, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके, 396 के। तो हम सिंपल सा लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 396 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 11, ये पेयर, ये पेयर और ये अनपेयर। तो क्या वो सिंपल अपन लैंग्वेज में लिखते हैं, इट इज क्लियर दैट है ना, फैक्टर 11 इज अनपेयर, सो वी डिवाइड बाई, बी डिवाइड बाई 11 टू गेट द परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। समझ गए, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर ऑब्टेन करने के लिए किसका डिवाइड करेंगे हम, 11 का। तो हमने इधर 396 को डिवाइड कर दिया 11 से, है ना, दैट इज, और इधर 2 × 2 × 3 × 3 × 11, ये फैक्टर आए थे, इसको डिवाइड कर दिया 11 से, तो 11 कैंसिल हो गया। यहां पे 11 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, कितना आ जाएगा, ये 36 आएगा हमारे पास। तो 36 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3, ये बच गया। अभी जो 36 नंबर आया है डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड, जो नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो देयरफॉर जो 36 हमारे पास आया है उसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या थे, मतलब पेयर फॉर्म में थे ना, इसका पेयर बन गया, तो ये 2 ले लिया,
इसका ये पेयर बना तो ये टू ले गया हमें, कितना आ गया ये हमारे पास सिक्स। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम आसानी से उसको स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो नंबर हमें मिल रहा है ना। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से। अभी हम कुछ एक और दो क्वेश्चन छोड़े सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ पार्ट हम आप। सो दिस वन इज द फोर्थ वन, 2645। वही सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स निकालते हैं 2645 के। तो प्राइम नंबर 2645, लास्ट में 5 है इसलिए हम 5 से डिवाइड दे देंगे, है ना, बहुत आसान है। तो 5 से डिवाइड देंगे, 2 में नहीं जाएगा तो 26, 26 में 5 टाइम्स जाएगा, 1 बचने से 14 हो जाएगा, तो 5 टू 10, 4 बचा 45 हो गया, 5 9 45। अब ये 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया, तो 3 से चेक कर लेते हैं अपन, है ना, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 बन जा 3, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, है ना, फिर कितना हो जाएगा 3 से, तो जो है नहीं जाएगा फिर, ये भी 3 से डिवाइड होगा नहीं, है ना, देखो 5 से डिवाइड हो नहीं रहा है, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 से चेक करते हैं, तो 7 52 में जाएगा, 7 7 जा 49, फिर कितना बचेगा 3, तो 39, 7 के टेबल में 39 नहीं आता है, तो यानी कि ये 7 से भी नहीं जा रहा है, तो अब किससे जा सकता है, 11 से, तो ये 11 के टेबल में भी नहीं है, चेक कर लो आप इसको, है ना, तो 11 भी नहीं है, तो 13 के टेबल में चेक करते हैं, तो 13 में 3, 13 4 52, 9 बचेगा, वो भी नहीं है। 19 के टेबल में चेक कर लो, तो 19 के टेबल में भी नहीं है। अब ये जो सीधा जो है किसके में जा रहा है, 23 के टेबल में जाएगा, किसके टेबल में जाएगा, ये 23, तो ये 23 × 23 ये आ जाएगा आपका, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529 होता है, है ना। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर आपको स्क्वायर नंबर्स पता थे तो आप आसानी से कर सकते हो, अदरवाइज आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ चीजों को याद रखिए, कुछ चीजों को मेमोराइज कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा। और मैं अभी कुछ और ऐसे जो है वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आप किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा और हम उस वीडियोस को भी जल्दी बना के आपके लिए लाएंगे, है ना। पहले अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 2645, कितना आया हमारे पास 5 × 23 × 23, ये पेयर में है और 5 अनपेयर है, तो 5 के डिवाइड देंगे, तो इट इज क्लियर दैट, है ना, फैक्टर 5 इज अनपेयर, सो बी डिवाइड बाय 5 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी हम 5 का डिवाइड करेंगे, तो 2645 इसमें हमने डिवाइड दे दिया 5 का, ठीक है। इधर इसके जो फैक्टर थे वो हमने लिख दिया 5 × 23 × 23, इधर 5 का डिवाइड दे देंगे, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, इधर 5 से 5 डिवाइड देंगे, तो ये 529 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 529, और इधर 23 × 23 आ जाएगा। तो 529 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो नंबर मिलता है उसको हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, देयरफॉर 529 स्क्वायर अंडर रूट कर दिया, तो हमारे पास इसमें हमें क्या करना है, तो जो पेयर बना है ना उसको बाहर ले लो, तो पेयर किसका है 23 का, तो इस तरीके से आपके पास 23 आ जाएगा, है ना। तो जो नंबर मिला है हमें डिवाइड करने के बाद वो हमारा 23 आया है। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी के पार्ट्स इस क्वेश्चन के आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आराम से बन भी जा रहे हैं, है ना। बस आपको प्राइम फैक्टर निकालना सीखना है, ये आपका एक टास्क है जो आपको करना है अच्छे से, यानी प्राइम फैक्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए 2-3 बार में आप वीडियोस को देखें, और या फिर भी नहीं आ रहे तो कुछ क्वेश्चन आप अपने टेस्ट बुक या अदर टेस्ट बुक से लेकर खुद प्रैक्टिस करिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको परफेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है।